सब्सक्राइब करिए टेक फॉरम चैनल को और हिट करिए इस बेल आइकन को जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी हमेशा मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक फॉरम के एक नए एपिसोड में। और आज हम देखने जा रहे हैं वन प्लस फाइव का कैमरा रिव्यू, कैमरा सॉफ्टवेयर रिव्यू। और वन प्लस फाइव का जो मेन सॉफ्टवेयर एनालिसिस है हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आज हम देखेंगे कुछ कैमरा सैंपल्स जिसे कि हमने कल लगभग महीने भर एनालाइज किया है और आपके लिए फाइनल रिव्यू लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि क्या वन प्लस फाइव के लिए, अगर आप सिर्फ कैमरा के लिए लेने जा रहे हैं, तो आपको 33,000 रुपये देकर या फिर कहें तो 37,000 रुपये देकर जो भी वेरिएंट आपको पसंद हो लेना सही है, या फिर अगर स्पेसिफिकली आप कैमरा के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं जिसके कैमरा बेहतरीन हो और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी आपको दे सके दिन में, रात में या फिर शाम में, हर वक्त, तो आपको क्या पिछले साल के फ़ोन ले लेने चाहिए फ्लैगशिप जो कि आज वन प्लस फाइव के दाम में मिल रहे हैं, या फिर इस साल आपको क्या डबल स्पेंड करके करंट जनरेशन 2017 के फ्लैगशिप फोन्स खरीदना कैमरा के लिए सही है। तो ये तीन तरह के हम आपको कंपैरिजन करके आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके लिए वन प्लस फाइव सिर्फ कैमरा के लिए खरीदना सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, हमने कटर का फोटोग्राफ लिया था, सेल्फी, ये पैम्पलेट, ये इंडोर लाइट फोटोग्राफी फ्लैश के साथ, ये कुछ सेल्फी है इंडोर लाइट फोटोग्राफी में। ये बाहर जब सनलाइट तेज़ हो, आप देख सकते हैं कि शार्पनेस टेक्स्ट की कुछ ठीक ठाक है इसकी, और डे लाइट फोटोग्राफी में कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आप चाहें तो इन फोटोग्राफ्स को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। शार्प है टेक्स्ट डे लाइट में बाहर की तरफ, और ये एक मैक्रो शॉट, ये पार्किंग में आपको लो लाइट फोटोग्राफी, और ये फ्लैश के साथ। विदाउट फ्लैश आप देख सकते हैं किस तरह की फोटोग्राफ्स आते हैं, और ये विदाउट फ्लैश या लाइट सेल्फी, ये एक अच्छे लाइट और सनलाइट में सेल्फी। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन काफ़ी डिटेल है। ये इंडोर लाइट में हमने कुछ फोटोग्राफ लेने की कोशिश की, और आप टेक्स्ट की शार्पनेस को जज कर सकते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल शॉट और फिर 2x टेलीफोटो कैमरा सैंपल कैसे आता है, ये फिर एक नॉर्मल शॉट और ये फिर से हमारा 2x टेलीफोटो कैमरा सैंपल। ये इंडोर लाइट फोटोग्राफी है आर्टिफिशियल लाइट में, ये फिर 2x में आप देख सकते हैं किस तरह बिहेव करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लो लाइट फोटोग्राफी में इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी प्राइस वाइज ठीक ठाक फ़ोन है। बात यह है कि आज के डेट पे इस प्राइस में आपको बहुत ही बेहतरीन लो लाइट फोटोग्राफी लेने वाले फ़ोन्स मिल जाते हैं, जैसे कि LG के G6 हैं, V20 हैं, या फिर आपको Nexus 6 भी अगर लेना हो पुराने जनरेशन फ़ोन्स में। और यहाँ हर सैंपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक ब्लर इफेक्ट और पोर्ट्रेट मोड दिखाने की कोशिश की है। ये आप कलर जज कर सकते हैं, और ये फिर से 2x में कलर किस तरह से आते हैं। ये एक नॉर्मल शॉट है आउटडोर में, ज़्यादा तेज नहीं है लाइट, लेकिन ये 2x में। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक वीडियो सैंपल जिसमें कि आप एम्बियंट नॉइज कितना है, इसका माइक कैच करता है, नॉइज कैंसिलेशन कैसी है, और वीडियो क्वालिटी आप जज कर सकेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी बाहर के नॉइज़ को ये कैच कर लेता है। नॉइज़ कैंसिलेशन उतना अच्छा नहीं है इसका, लेकिन वीडियो ओवरऑल डे लाइट में अच्छी कही जाएगी। ये 1080p में हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब आगे हम आपको फोकस टेस्ट दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि फोकसिंग किस तरह से करता है। ये डे लाइट में फोकसिंग की स्पीड अच्छी है, लो लाइट में पर इसे दिक्कत होता है क्योंकि इसमें लेजर ऑटो फोकस मिसिंग है। वन प्लस को लेजर ऑटो फोकस कंटिन्यू करना चाहिए था, वन प्लस टू में सिर्फ इन्होंने दिया। तो जैसा कि आपने देखा, वन प्लस फाइव डे लाइट फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा फोन है, और अब तो इसमें एक 4K वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आ गया। तो अगर आपको एक बहुत ही शार्प क्रिस्प वीडियो लेने का शौक हो 4K में, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें एक पैच के तौर पर डाल दिया गया है। कल ही परसों ये अपडेट आया है और आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं। और रात की अगर बात करें या शाम की बात करें, लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें, तो वन प्लस फाइव फ्लैगशिप्स के मुकाबले आज भी कमज़ोर है। इनफैक्ट नेक्सस 6P जो कि काफ़ी पुराना फ्लैगशिप है, उसके मुकाबले भी अगर आप कंपेयर करेंगे वन प्लस फाइव को, तो उसकी लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी काफ़ी पीछे छूट जाती है।
सो फाइनल वर्डिक्ट हमारा यही है कि अगर आपको आज के डेट में एक करंट जनरेशन फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए जिसकी फोटोग्राफी कमाल की हो, लो लाइट में चाहे दिन में या शाम में, हर वक्त आपको एक बेहतरीन अगर फोटोग्राफी चाहिए हो लगभग 33,000-35,000 के आसपास, तो अच्छा होगा आप LG G6 ले लें, या फिर और थोड़ा आपका बजट कम हो 30,000 के आसपास तो आप LG V20 ले सकते हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर DSLR जैसे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ काफ़ी अच्छे फीचर्स और लो लाइट फोटोग्राफी मिलेगी। लेकिन अगर आपको LG के फ़ोन्स नहीं लेने हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्पेंड करें तो आप गैलेक्सी S7 पे जा सकते हैं। S8 और S7 का कैमरा सेम है, सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर ट्विकिंग्स की गई है S8 के लिए। हार्डवेयर वाइज कैमरा बिल्कुल सेम है दोनों का, दोनों के कैमरा में हार्डवेयर वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। रही बात अगर आपका बजट और भी कम है, मान लीजिए 30,000 से भी कम है, आप उससे भी कम में चाहते हैं कि आपको एक एक्सेलेंट फोटोग्राफी मिले, तो आप नेक्सस 6 भी ले सकते हैं, चाहे तो वो LX से या फिर कहीं पर भी अगर आपको रिटेल आउटलेट में मिल जाता है तो आप नेक्सस 6 भी ऑनलाइन या फिर अपने दुकान जो आसपास हो आपके उनमें जा करके ले सकते हैं। फोटोग्राफी के मामले में आज भी नेक्सस 6 भी का मुकाबला OnePlus 5 या ऐसे कोई भी दूसरे फ़ोन जो फ्लैगशिप किलर के नाम से आ रहे हैं नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये एक ट्यूबलाइट के द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है, लो लाइट फोटोग्राफी तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल लाइट फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है यहाँ पर, और ये रिकॉर्डिंग भी नेक्सस 6P के द्वारा किया जा रहा है। तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि अगर ऐसी क्वालिटी आपको नेक्सस 6P दे सकता है तो बाकी फ़ोन्स की तो खैर कहने ही नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और उस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें जिसके द्वारा आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। जल्दी ही हम आपके लिए जो अमेजन सेल आने वाले हैं, द ग्रेट इंडियन अमेजन सेल, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें कि आपको सारे फोन्स, गैजेट्स और जो भी डिस्काउंट ऑफर आपको मिल सकते हैं उनकी हम एक विस्तृत जानकारी, एक डिटेल्ड आपको एनालिसिस देंगे कि आपको लेना सही होगा या नहीं। We'll be right back.